वक्त नहीं होता तो मैं ही आया था उससे मिलने। सारा लेगा ना जितना फौजी ट्रेडिंग बस सही सही चढ़ जाएगा एक बार। भैरव बाबा की चढ़ाई चालू कर दी है हम लोगों ने 4:30 बजे सुबह के 4:30 हो रहे हैं और सारे गैंग मेंबर्स इंक्लूडिंग एवरीवन मयंक भाई तक सब उठ के रेडी, सब जीना पकड़ के, बस अब सब तैयारी में है, सबने बैग बैग अपने सब एसेंशियल सबके साथ, बस अब ओके गाइस व्लॉग चालू हो गया है वापस से। बाबा भैरवनाथ की 550 सीढ़ी और रह गई है, 1000 चढ़ाए हैं, दिल्ली के शेर मान ही नहीं रहे हैं, ना सो रहे हैं ना जाग रहे हैं। सारे लोग आ जाओ अपना फर्स्ट क्लास, आ जाओ जी आ जाओ, शाबाश बहुत बढ़िया। वो बैग बैग छोड़ दिया वहीं पे। सबसे बेस्ट बंदे हैं सत्यम भाई जिन्होंने सबसे ज्यादा बैग उठाया पूरे सफर में। उन्होंने ये चीज देखी ही नहीं कि बैग उठाना भी है उन्हें। उन्होंने सोचा मेरा बैग तो मैं ही लेके जाऊंगा, किसी को देने की जरूरत ही नहीं है साला। उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सामान उनका। तरस भरी निगाहों से देख रहा है बाबा का मंदिर। चल आ गए यार आशु चल चले बाबा ही आ जाए गिरवान पकड़ के उठाने। चलो है चला सारा मत आ जा उतना एनर्जी वेस्ट हो गई। डंडी से फेंक दे आशु यूं चल सकता है फौजी ट्रेनिंग बस सही सही चढ़ जाएगा एक बार चढ़ के देख ऐसे तो भाई सही बैड। चल चल पहले पूछने वाले 4 व्यक्ति, 1 लव रतवाल, 2 सत्यम शर्मा, 3 अमन। इसके सिवा अभी तक कोई नहीं जीता। हम 4 सबसे पहले। भैरव बाबा का मंदिर है, आप सभी की दुआ से हम कामयाब हो गए हैं यहाँ तक आने में। बहुत शक्ति और बहुत मेहनत लगी है। सारी जनता फुल रेडी है एकदम। मन्नु भाई तैयार, कन्नू भाई तैयार, सुबह से एकदम मेहनत और मेहनत के बाद ये है अपना व्यू। ये देखो पठान और इसकी शक्ल सेम है दोनों की। हमारी पठान पे फोकस कर दिया जाए, अभी कर देंगे। चलो इसके ऊपर तो भाइयों दर्शन हो गए थे हमारे, अब सीधा नीचे भवन पे रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद सीधा होटल सोएंगे थोड़ी देर, उसके बाद बस पकड़ के सीधा घर। और अब ऐसा लग रहा है कि बस घर पहुंच जाए जल्दी से। ऐसे ऐसे लंगूर देखे इतने मोटे ताजी जबरदस्त जिनको बंदरों ने मारा। सत्यम भाई पास सारे वीडियोस हैं, बड़ी ऊंट भी देखे हैं हमने। मन्नू भाई तो डर गए थे एकदम से, ऊंट को हम लाई रखे थे यार घर से। इसमें तो आपको तुम्हें पता ही है सत्यम शिव नामक 2 ऊंट जो हमने द्वारका से इम्पोर्ट कराए थे दिल्ली। कम से कम 1000 सीढ़ियां उतर चुके हैं, अभी भी कुछ नहीं पता भवन कहाँ है।
A few moments later. हम वापिस आ चुके हैं और हम जा रहे हैं नीचे अपने होटल रूम में। सब इतना थक चुके हैं कि किसी से कुछ चला नहीं जा रहा है। बस ना बातें करने का मन, ना चलने का मन, ना बैग उठाने का मन, बस उतरने का मन है, ना खाने का मन, ना पीने का मन। और राजमा चावल जरूर खाने मेन बात। और अभी हम घर कैसे जाएं, सबसे मेन बात, जिस चीज़ का हम पे कोई इलाज ही नहीं है, ना हमारी बस की टिकट है, ना हम पे ट्रेन की टिकट है, ना हमें ये पता ट्रेन कौन सी जाती है यहाँ से, ना हमें ये पता बस कौन सी जाती है यहाँ से, ना हमारा कोई दोस्त यहाँ पे। अब ऐसा है कि हमारी गाड़ी है भगवान भरोसे, आप हमारी गाड़ी को देखते रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहें। Hours later. भाई इसी बस से बोले की पहुंच जो है हमारे प्रधान जी मन्नू भाई और अध्यक्ष हमारे मयंक रतवाल, इनके सहयोग से हम इस बस से दिल्ली जा रहे हैं। हमारे बहुत अच्छे हुए हैं, सभी भाई दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, सुबह 6 बजे तक हमारे भाई ने बस बहुत बढ़िया कराई है भाई, मजा आ गया। हम दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं, सारी जनता जनार्दन आ चुकी है हमारी, बहुत बढ़िया दर्शन हुआ, बिल्कुल दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं। ये देखिए सारा पैक, भाई शक्ल दिखाई है पूरी, बहुत जोरों की बस, नहीं वो जाती है, वो थोड़ा 2 मिनट लेट जाती है। ठीक है गाइस, ये बंदा है, ये फोटो मांग रहा है इस फोन से, इसको दूंगा ही नहीं। लाइक शेयर कमेंट, ये रन पार्ट और गाइस ये बंदा एक ये घुमाता है ना जो तू फोन व्लॉग में, ये ही खराब कर रहा है सारे व्लॉग मेरे। ये तो सुबह, One eternity later. मॉर्निंग गाइस, उठ चुके हैं आज हम सारे, और जैसे कि सारे सो के उठ चुके हैं, पूरी हमने अपनी नींद ले ली है। अब थोड़ी सी देर में कश्मीरी गेट पहुंचने वाले हैं, बहुत बढ़िया सफर रहा हमारा। सारे भाई धीरे धीरे करके उठ रहे हैं, सारे भाई ये देखिए आर्यन भी उठ चुका है। हां भाई आर्यन ब्रेक नहीं मारी थी, देखो उठ गया आर्यन भी, सत्यम मांग गया। अच्छा वीडियो बना दीजिए, तो मैं कोई नींद में हो रहे सत्यम भाई, हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास, बस बेउम्मीद थके हुए हैं, बस मजे आ गए हैं। जय माता दी, आगे देखते हैं, मिलते हैं आपसे कश्मीरी गेट पे सीधा बस रुकने के बाद। दिल्ली आ चुके हम गाइस, अपना शहर दिल्ली शहर, दिल्ली शहर पे आ गए हम सारे भाई हमारे, दिल्ली आ गए अपन, बस जा चुकी है हमारी, हमने पैसे नहीं दिए 150 रुपए। तो भाइयों लोग ऑटो में बैठ चुके घर जाने के लिए, हालत देख सकते हो आप, 5 बंदे एक ही ऑटो में, देख लो ये देखिए कैसे बैठे हुए हम 5 बंदे। ये शिवम ड्राइवर अंकल के साथ बैठा हुआ है, और अब अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे, ठीक है। लवा के ले जू तारी वाल ब्लू, दिक्की तारी वाल।